करंट वाला ही पढ़ रहे, करंट लेक्चर चैप्टर ही पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ पहुंचे थे हम लोग, वी रीच्ड टिल ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, राइट। फिर हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी हम लोग रिवाइज कर चुके थे, राइट, है ना। क्या क्या थे फैक्टर्स? एक तो मटेरियल खुद था, दूसरा लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये तीन फैक्टर तो हमें फॉर्मूले में दिखते थे। तीन फैक्टर्स हमें फॉर्मूले में दिखते थे। कौन कौन से? लेंथ, एरिया और मटेरियल। क्यों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रोएल बाय ए। एक और फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है? रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब होता क्या है ना, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के पास अलग अलग रेजिस्टेंस है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के पास अलग अलग रेजिस्टेंस है, इसलिए अलग अलग मटेरियल्स का हम लोग अलग अलग यूज कर पाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, और भी दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिस्ट कर दे रहा हूं। कॉपर और एल्यूमिनियम, इससे क्या बनाते हैं हम लोग? वायर्स बनाते हैं, है ना। कॉपर और एल्यूमिनियम से क्या बनाते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम से हम लोग कनेक्टिंग वायर्स बनाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज कनेक्टिंग वायर्स बनाने के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इसलिए। दूसरा, हम लोग यूज करते हैं निक्रोम का। कहाँ यूज करते हैं? कोई बताएगा? निक्रोम का यूज करते हैं हम लोग हीटिंग मटेरियल में। यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट के लिए, हीटिंग एलिमेंट के लिए कहाँ पर? कभी किसी ने इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया है? यस सर। इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया है, उसमें जो वायर होता है किसका बना होता है? निक्रोम का बना होता है। क्यों? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं एज हीटिंग एलिमेंट। कहाँ कहाँ पर? इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है, और आपके रूम हीटर में, और आपके आयरन में, ठीक है, आपके आयरन में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रही बात? और कौन सा मटेरियल होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जानते होंगे, बल्ब में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं टंगस्टन को? सर, जिससे कि ग्लो करे और लाइट आए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। ग्लो करता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा होता है, 3000 डिग्री से भी ज्यादा होता है। ठीक है, और चौथा है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इंसुलेटर्स का यूज कहाँ करते हैं, बताओ जल्दी जल्दी। स्विचेस। हर जगह स्विचेस में यूज करते हैं। जहां भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है वहां इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो बच्चों वाली चीजें हैं, है? क्लियर है आपको? जो लिखा हुआ है साफ दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है उसमें? एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा और ठीक करता हूँ। सर, वो लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा लाइट जा रहा है, उसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रही है। ठीक करता हूँ, थोड़ा सा बेटर है? यस सर। यस सर, ठीक है।
ओके तो आगे हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? देखो थ्योरी तो मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ, एक बार सिर्फ रिवीजन है ना, ये मैं रिवीजन के हिसाब से पढ़ाने में जितना थ्योरी के मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम रजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाएं तो क्या होगा? सीरीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था वीडियोस में कि चेन फॉर्म, एक के बाद एक लगे हों, लाइक अ चेन, जैसे चेन की कड़ियां होती है ना वैसे जुड़े हुए होने चाहिए, तो क्या बोलेंगे? सीरीज। ठीक है, अगर रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। हाँ सर, इसको पैरेलल भी नहीं कहेंगे, इसको सीरीज भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी तक तो जुड़े ही नहीं है ना, कॉम्बिनेशन का है, सब तो अलग अलग रखे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया सर, सीरीज लोड नहीं फॉर्म किया उसने, ये सीरीज हो गया, एक दो एक चेन है ना, चेन ही तो है ये, समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है और यहाँ का रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक, अब मेरे को ये पता लगाना है कि अगर रेजिस्टेंसेस इस तरीके से जुड़े हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, इन रेजिस्टेंसेस का बिहेवियर कैसा होगा, ओवरऑल ये कंबाइन होके कितने रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे। इसको पता लगाने के लिए मैंने काम किया, मैंने इस रेजिस्टेंस को एक बैटरी के अक्रॉस लगाया। इसके अक्रॉस लगाया, बैटरी के अक्रॉस। बैटरी क्या होता है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ, बताया था, फटाफट बताओ, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ, बोलो सर, एनर्जी। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल बैटरी, रियल बैटरी तो अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं है, आइडियल बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं ये जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के अक्रॉस वो V है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट होगा तो यहाँ का कितना हो जाएगा? वी वोल्ट, समझ में आई बात? यहाँ का 0 तो यहाँ का वी, यहाँ का 10 तो यहाँ का 10+V, यहाँ का 20 तो यहाँ का 20+V, यहाँ का 30 तो यहाँ का 30+V, यहाँ का 100 तो यहाँ का 100+V, समझ में आ रही बात? तो R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं, इसमें हम लोगों ने इनके अक्रॉस जो कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है ना, क्लोज लूप बन गया ना, तो करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या होगा, जो करंट R1 से में से जाएगा वही R2 में से जाएगा, वही R3 में से भी जाएगा, है ना, हर रेजिस्टेंस में से इक्वल इक्वल करंट फ्लो करेगा, R1 में से, R2 में से और R3 में से, तीनों में से इक्वल इक्वल करंट फ्लो करेगा। I1, I2, I3 नहीं होगा, तीनों में से I जाएगा। ठीक है, गलत बना दिया मैंने, तीनों में से सेम करंट जाएगा, I। ठीक, अब क्या होगा कि करंट किधर से किधर जाता है, कोई बताएगा मुझको? करंट इस पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सही बोल रहे हो, ठीक है, बट पॉजिटिव से नेगेटिव बोलने से बेटर क्या होगा, हमें बोलना चाहिए करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 ले लिया, लेट्स से 0 ले लिया, चलो आपको 0 से दिक्कत हो रही है, एक्स ले लेते, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल मैंने क्या ले लिया, एक्स, तो यहाँ का कितना होगा सर? एक्स प्लस वी। वेरी गुड, यहाँ से आगे बढ़े, इस R1 रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है? आई सर, आई जा रहा है ना। अब देखो यहाँ का अगर एक्स प्लस वी पोटेंशियल है तो यहाँ का भी एक्स प्लस वी ही होगा, क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस वी से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम,
अच्छा कम कम होगा, कितना कम होगा सर? आर वन का जितना रेजिस्टेंस है उतना। अच्छा रेजिस्टेंस के अलावा पोटेंशियल कम होगा कि आई आर वन जितना कम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? आई आर होता है ना, ओम अंकल ने बताया था, ओम अंकल ने कुछ बताया था कि रेजिस्टेंस आई आर होता है? हाँ सर बताया था ना। हाँ सर, तो ओम अंकल की बात मानते हुए हम कहेंगे कि यहाँ का इस रेजिस्टेंस आर वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई आर वन, राइट। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? x प्लस v। यहाँ का इससे कम है, कितना कम है? आई आर वन। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ जरा फटाफट? x प्लस v माइनस आई आर वन। वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। अच्छा तो यहाँ से अगर हम r आगे बढ़ते हैं, यहाँ r2 पे पहुंचते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ से कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कम होगा। कितना कम होगा सर? x प्लस v माइनस r1 माइनस r2। नहीं बेटा, x प्लस v माइनस i r1 माइनस i r2, समझ में आया? हाँ सर, हम वही बोल रहे हैं। i बोलना भूल गए आप, क्या होगा? अच्छा। x प्लस v माइनस i r1 यहाँ का था, यहाँ से और कम, कितना कम? आई आर टू के बराबर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? x प्लस v माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू। यहाँ का क्या हो जाएगा? और सर माइनस आई आर थ्री हो जाएगा, प्लस उसमें ऐड। और सर? हाँ बेटा। सर समवन वांट्स टू जॉइन। क्या सर? समवन वांट्स टू जॉइन। हाँ बाबा, ओके। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? x प्लस v माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री। अंकित ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या? हो गया। तो पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? x प्लस v यहाँ का था, उससे कम यहाँ, उससे और कम यहाँ, उससे और कम यहाँ। कितना कम? यहाँ से आई आर वन कम यहाँ, यहाँ से आई आर टू कम यहाँ, यहाँ से आई आर थ्री कम यहाँ। और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी होगा, है ना? वही यहाँ का भी होगा। तो ये वाला जो पोटेंशियल है वो इसके बराबर है कि नहीं है? है सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर नहीं। क्या x प्लस वी माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इज इक्वल टू x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हो। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हम लोगों ने एक चीज अपनी मनगढ़ंत मानी थी यहाँ पे, क्या था वो? x। हमने अपने मन से x मान लिया था, यहाँ क्या देख रहे हैं वो x कैंसिल हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या आया बेटा? दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू i टाइम्स r1 प्लस r2 प्लस r3। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। हुँ? नहीं सर। नो सर। आप लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा था, आपकी बुक्स वगैरह में जो डेरिवेशन है उसमें आपने डायरेक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस v, यहाँ का आई आर वन, यहाँ का आई आर टू, यहाँ का आई आर थ्री, तो इन तीनों का सम इस v के बराबर। उसी चीज को मैंने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? तो v इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बट होता क्या है, v हैज टू बी इक्वल टू आई आर। v आई आर के बराबर होना चाहिए ना? हाँ सर। क्यों? देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज समझने की है कि हम जब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जितने रेजिस्टेंस सर्किट में है उन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को अगर मैं किसी एक रेजिस्टेंस से सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को अगर मैं किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं तो उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी हो, सो दैट हमारा करंट जो है बैटरी के थ्रू वो सेम टू सेम रहे। कहने का मतलब ये है कि दिस सर्किट हैज टू बी सिमिलर टू, कि हम इस बैटरी के अक्रॉस सारे के सारे रेजिस्टेंस जो R1, R2, R3 है इन तीनों को हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दें R इक्विवेलेंट लेट से, तो ऐसे में यहाँ पे करंट जाएगा आई, बैटरी तो पोटेंशियल वी की। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ सर। तो इसको अगर मैं इक्वेशन वन कह दूं,
यहाँ पे मैंने आई के लिए लिखा, यहाँ पे भी वही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर टू, तो दोनों को कंपेयर करके क्या बोल सकता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। यस सर आ गया समझ में। यस सर। हाँ सर आया। और आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। कोई दिक्कत है इसमें? ये सब तो पढ़ा हुआ ना अपन ने। अब देखो थोड़ा सा एक चीज और पढ़ेंगे, जो की पॉइंट्स हैं हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, वो क्या है, करंट इज सेम थ्रू ऑल वायर्स, सारे वायर्स में से करंट क्या है, सेम है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई आपत्ति है इसमें? होना ही है ना, सबसे पहले तो हमने यही अज्यूम किया था, कैसे करंट इधर से जितना जाएगा उतना इधर से जाएगा, उतना इधर से जाएगा, है ना, साइड में थोड़ा लीक कर जाएगा, ठीक है। तो आई इज सेम थ्रू ऑल द वायर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी कि V1 जो इस पहले वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, I R1, V2 कितना हो जाएगा, I R2, और V3 कितना हो जाएगा, I R3, ठीक है। इंडिविजुअल वायर्स के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो क्योंकि आप करंट निकाल चुके हो, और करंट कितना था, करंट था V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़ू, नोट बना रखे सबने? यस सर। यस सर, नोट्स बनाया हुआ है पूरा सबने? यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यस सर। अगला है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर हमारे रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है, पैरेलल का मतलब पैरेलल लाइंस नहीं है। ये मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया, जब हमने टू बनाया था ना वायर्स का, तो वो जो हमने इस तरीके से जोड़े थे वायर्स, इसमें वायर्स कैसे जुड़े थे, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में थे, है ना, सीरीज, सीरीज में जुड़े हुए थे, पैरेलल में नहीं थे, ठीक है। इवन दो वायर्स आर पैरेलल, कॉम्बिनेशन इज सीरीज। तो वायर्स पैरेलल में रखे हो ये जरूरी नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी कुछ और है। ये किसके साथ हुआ, ठीक है, क्या क्या जरूरी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है कि ऑल वायर्स मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स। कहने का मतलब, लेट्स से एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, जितने भी वायर हैं उनको डायरेक्टली ए और बी के बीच में जोड़ दो, तो क्या हो जाएंगे, सारे वायर्स आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं कि एक वायर सीधे लगा दिया, एक वायर ऐसे लगा दिया, एक वायर ऐसे लगा दिया। आप बोलोगे सर वायर्स तो पैरेलल में लग गए ना, आपने बोला पैरेलल होना जरूरी नहीं है, क्यों ऐसे नहीं लगा सकता मैं? ये भी तो लगा सकता हूँ ना, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4, ये सब के सब क्या है, पैरेलल में है। समझ में आई बात? कोई ये रूल मत बनाना कि पैरेलल का मतलब लाइन पैरेलल होनी चाहिए, लाइन पैरेलल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइंस पैरेलल होना, वायर्स का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, सारे वायर्स दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो, दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो, मतलब हर एक वायर का जो दोनों एंड है वो दे शुड बी कनेक्टेड बिटवीन कनेक्टेड टू सेम पॉइंट्स, मतलब हर वायर का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब
पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बैटरी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? देखिए, बैटरी हम ए और बी के बीच में लगाएंगे। मैं यहाँ चार नहीं बनाऊंगा, आपस में तीन ही बनाऊंगा। तो मेरे पास लेट से ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंसेस हो गए जो पॉइंट ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है। रेजिस्टेंसेस बोल दिया मैंने R1, R2 और R3। मैंने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे, नाउ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। और क्योंकि ये बैटरी का एक एंड B से कनेक्टेड है, एक एंड A से कनेक्टेड है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, है ना? किसका ज्यादा होगा, A का कि B का? A और B में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, कोई तो बता दो। A का ज्यादा है। A का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? अरे यार ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। वेरी गुड, पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड है, वेरी गुड। तो A का पोटेंशियल ज्यादा है, मैं क्या बोल सकता हूँ? पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू V, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लेते हैं यहां से करंट जा रहा है I, ठीक। यहां से करंट I गया, मतलब यहां से करंट कितना आ रहा होगा? I ही आ रहा होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। हाँ सर। यहां से करंट कितना आ रहा होगा? I आ रहा होगा, कॉमन सेंस है कि नहीं है? अरे कॉमन सेंस है ना ये तो। यस सर। जितना इधर से आएगा उतना इधर जाएगा, उतना इधर जाएगा, राइट? ओके यस सर। तो इधर से करंट गया आई, लेकिन यहाँ जाके करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना तीन वायर्स में। हाँ सर। क्या करें, नाम देना पड़ेगा तीनों का। मैं बोल देता हूँ, लेट से करंट इधर गया आई वन, इधर गया आई टू और इधर आया आई थ्री। R1 में I1 गया, R2 में I2 गया और R3 में I3 गया, ठीक है। लेट से कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करता है आपके तीनों वायर्स में, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो कि तीनों वायर्स क्योंकि सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तीनों वायर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सर सेम होगा। सर सेम होगा, सेम होगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, है ना? हाँ सर। तो मैं कह रहा हूँ कि V1 equals to V2 equals to V3 equals to V, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब V1 कितना होगा? V1 सर R1 रेजिस्टेंस है, उसमें से I1 करंट गया, तो V1 कितना हो जाएगा? IR1, है ना? I1 I1 सर? R1। हाँ बेटा। सर वो आप क्या लिखे सर, वो फिगर के नीचे V? VA minus VB is equal to V. A का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल। थैंक यू सर। अब मैं कह रहा हूं कि V1 मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, ठीक है। अब V1 कितना है? I1 R1 इट हैज टू बी इक्वल टू I2 R2, इट हैज टू बी इक्वल टू I3 R3, एंड इन ये सब के सब किसके बराबर है? V के बराबर। क्यों? V1 I1 R1 है, V2 I2 R2 है और V3 I3 R3 है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 और R, I3 is equal to V by R3, है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं सर। अब देखो थोड़ा सा मजेदार बात, क्या मैं इसके बाद ये लिख सकता हूँ कि I equals to I1 plus I2 plus I3, यहाँ से जो करंट आ रहा है I, उसे तीन टुकड़े हुए, इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया, ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ सर। ये कॉमन सेंस है ना? हाँ सर। ये कॉमन सेंस तो है, ठीक है, पर इसका एक नाम है, पता है नाम क्या है? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। सर क्या नाम लिखे हैं? क्या सर आपका बाल के वजह से नाम? मतलब एक सेकंड, एक बार में एक आदमी
किसी को डाउट हो तो वो बोले। करचॉफ KIRCHOFF करचॉफ्स लॉ, करचॉफ्स जंक्शन लॉ, KJL करचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये जो कॉमन सेंस की बात है ना, इसके लिए इस बंदे का इतना नाम हो गया, बताओ। करचॉफ्स लॉ, करचॉफ्स लॉ, करचॉफ्स लॉ, बहुत नाम होता है, बहुत फेमस लॉ है ये, जो एकदम कॉमन सेंस है, राइट। इसने क्या बड़ा काम किया, इसने क्या बड़ा काम किया, हमसे पहले पैदा हो गया है ना, तो हम भी बता देते। तो करंट I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, ठीक है। इससे पिछले वाले में भी मैंने जो बताया था कि घूम फिर को आपस आए तो पोटेंशियल सेम होगा, उसका भी नाम है करचॉफ्स लूप लॉ। मतलब करचॉफ अंकल ने दो नाम दिए, दो लॉ दिए, दोनों एकदम निकम्मे लॉ है। चलो, तो I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, ये हमारा यहां पर इक्वेशन बनी। तो अब मैं लिखूंगा, दिस इंप्लाइज I हैज टू बी इक्वल टू V/R1 + V/R2 + V/R3, है ना। और I होना कितना चाहिए, I होना चाहिए सर, बताइए कितना होना चाहिए, V/R इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई कितना होना चाहिए, वी बाय आर इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए वी भी कट गया, आपका पैडल का फॉर्मूला आ गया, 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। ठीक है, कॉपी करना है या कॉपी कर चुके सब लोग? सर आर इक्विवेलेंट मतलब, आर इक्विवेलेंट बताया था ना थोड़ी देर पहले सीरीज में, कि सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है सबको हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दो, तो उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, सो दैट करंट सेम रहे। हाँ सर। क्या था? सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाना है, बताओ उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, सो दैट करंट जो है वो सेम टू सेम रहे बैटरी के थ्रू, बैटरी के थ्रू करंट चेंज ना हो। ऐसे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ सर। ओके बेटा, अब देखो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी उसमें काफी करा चुका हूं, और रिवीजन में न्यूमेरिकल्स कराने का कोई खास मतलब नहीं होता। न्यूमेरिकल्स अगर मैंने एक बार करा दिए हैं तो उसके साथ सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, आप प्रैक्टिस करोगे और मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है, उसको रिवीजन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक। तो अगला है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल वायरिंग इन डोमेस्टिक सर्किट। देखो पहले तो बताया नहीं मैंने कि आपके जो घर में जो सर्किट लगा होता है, आपके घर में जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो आपके अप्लायंसेज हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। घर में आपका जो पंखा है, दो पंखे आपस में एक दूसरे के हैं पैरेलल में लगे होते हैं, दो बल्ब पैरेलल में लगे होते हैं, एक पंखा और एक बल्ब पैरेलल में लगे होते हैं। कोई भी दो अप्लायंसेज अगर आप यूज कर रहे हो तो अप्लायंसेज एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सर कॉम्बिनेशन नहीं होता, सीरीज में नहीं होते, और ऐसा क्यों होता है ये अभी हम इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। सर कॉम्बिनेशन में नहीं होता, नहीं कॉम्बिनेशन में नहीं होता, सिर्फ पैरेलल में होता है, ठीक है। ओके सर। क्या होता है बेटा, पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। सोचो आपके घर में अलग अलग अप्लायंसेस हैं, मान लो यहां मैंने बल्ब लगा दिया, इधर मैंने लगा दिया है आपका लेट से टीवी, यहां लगा दिया है लेट से फैन, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया या बाकी है अभी? बाकी है ना, जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। वैसे आपको पता होना चाहिए हमारे घर के अंदर जो सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे। घर के अंदर सप्लाई कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट, पर उसको समझने के लिए अभी हम डायरेक्ट करंट की तरह इसको ट्रीट कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैंने गैप क्यों छोड़ा है, कोई सोच सकता है? स्विच, स्विच लगाने के लिए. ओके, तो मैंने इन सब जगहों पर स्विच लगा दिया. मान लेते हैं हमारा पावर सप्लाई यहाँ लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, एसी लगा. वैसे एसी वाले को, एसी को का सिंबल ये होता है. सर वो फिगर में क्या लिखा हुआ है सर? बल्ब, टीवी, फैन, पंखा, ठीक है. और बड़ा करना है क्या? नहीं सर, दिख नहीं रहा सर. अब ठीक है, अंधेरा हो गया. अंधेरा हो गया. ओके ओके, समझ गया. डार्क सर. अभी ठीक है सर, अभी ठीक है. एक सेकंड रुक जाओ. अच्छा, अब बेटर है? हाँ सर, ठीक है. तो बल्ब, टीवी, फैन, ये तीनों आपस में लगे इस तरीके से जुड़े हुए. मैंने बल्ब को ऑन करना चाहा तो बल्ब ऑन हुआ, करंट ऐसे जाएगा, बल्ब के थ्रू गया, बल्ब ऑन, खत्म. ना टीवी में से गया, ना पंखे में से गया, बल्ब को ऑन किया तो सिर्फ बल्ब ऑन हुआ, राइट, है ना? हाँ सर. टीवी को ऑन किया तो टीवी ऑन हुआ, चाहूं तो मैं अभी बल्ब को ऑफ भी कर सकता हूँ, राइट? यस सर. फिर मैं चाहूं तो पंखे को ऑन कर सकता हूँ, चाहूं दोनों को ऑफ कर सकता हूँ, चाहूं तीनों को ऑन कर सकता हूँ, जो मर्जी वो मैं कर सकता हूँ, अगर तीनों पैरेलल में लगे हैं तो. ठीक है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ. ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ पैरेलल में लगाने का, कि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चल रहे हैं? फायदा हुआ. तो सबसे पहला फायदा क्या है? इंडिपेंडेंट ऑपरेशन. सारे के सारे जो आपके अप्लायंसेस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो. वैसे मैं बता रहा था, ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, ये ऐसा गोला लगा के, ये हमारे एसी का सिंबल होता है. हम लोगों ने अभी तक एसी पढ़ा नहीं है, पर आपका जो पावर सप्लाई है वो दो तरीके का हो सकता है, डीसी और एसी. बैटरी जो है वो उसमें डीसी होता है, एसी हम लोग बाद में पढ़ेंगे. घरों में एसी आता है, इतना बता देता हूँ बस, ठीक है. तो ये एसी सप्लाई है, इधर बल्ब है, इधर टीवी है, इधर फैन है. अब क्या होगा, दूसरा फायदा देखते हैं. मान लेते हैं कि ये बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या है? इसका कॉइल कट गया, अब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो टीवी बंद हो जाएगा क्या? सर वीडियो पॉज हो गया है. क्या सर, मेरे फोन में वीडियो आ नहीं रहा, तो हम रीजॉइन कर रहे हैं, प्लीज आप एडमिट कर लीजिएगा. अब तो एडमिट ही है. अच्छा, रिजॉइन करना होगा सबको? नहीं सर, हम लोग आ रहे हैं सर. हम, अच्छा, जो लोगों का नहीं आ रहा है एक बार रिजॉइन कर लो, ठीक है. जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो लोग एक बार रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है. मैं एडमिट कर लूंगा. सर ओहम लॉ को सर कोई प्रूफ होता है? बेटा एक्चुअली आप लोग, सच्चाई ये है, आप लोग जो ओम्स लॉ पढ़ते हो ना, वो बहुत ही मतलब वो ओम्स लॉ है ही नहीं. वो ओम्स लॉ एक्चुअली कुछ और है, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप लोग पढ़ते हो, ठीक है. ओम्स लॉ एक्चुअली में वायर के अंदर क्या हो रहा है उसको बारे में बात करता है, ठीक है. पर उसी को हम सिंप्लीफाई करके V इज इक्वल टू आई आर पढ़ लेते हैं, ठीक है. और ओम्स लॉ का प्रूफ नहीं होता, हर लॉ का प्रूफ नहीं होता बेटा. कई लॉ जो है ना फिजिक्स में, वो ऑब्जर्वेशन से आते हैं, ठीक है. जो नेचर में जो हो रहा है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए लॉ बनाते हैं, फिर उसको अलग अलग जगहों पे चेक करते हैं कि वैलिड है कि नहीं है. अगर वो वैलिड रहता है तो उसको लॉ कहते हैं, नहीं तो बोलते हैं अरे बेकार है, फालतू, छोड़ दो इसको, ठीक है. सर वेरीफाई तो कर सकते हैं ना? हाँ वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई तो करने का मैंने आपको बताया था वीडियो में, पूरा सिस्टम बताया था. एक अमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, अलग अलग करंट के टाइम के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, उनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, फिर हम लोग ग्राफ को देख के बोलते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I. ये सब तो मैंने बताया था ना आपको? हाँ सर. ओके, ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रही है?
रजनान हो गया। चलो तो हम कह रहे थे कि पहले तो सब लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर मान लेते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या हुआ, बल्ब के अंदर का जो कॉइल होता है, कॉइल निकलते हैं, एलिमेंट होता है वो टूट गया। अगर एलिमेंट टूट गया तो अब उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट इसमें फ्लो नहीं किया मतलब ये अब इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो टीवी ऑफ हो जाएगी या ऑन रहेगी? ऑन रहेगा। पंखा चलता रहेगा, टीवी चलता रहेगा, भले ही बल्ब फ्यूज हो जाए। बल्ब को स्विच ऑफ कर दो, टीवी चलता रहेगा, पंखा चलता रहेगा। बल्ब को फोड़ दो, टीवी चलता रहेगा, पंखा चलता रहेगा। मतलब इंडिपेंडेंट ऑपरेशन तो था ही था। दूसरा, इफ वन अप्लायंस इज डैमेज्ड अदर्स विल स्टिल वर्क। ठीक है, एक तीसरा और है, थोड़ी देर में बताता हूं। वही अगर मैं सीरीज में लगाता हूं इन्हीं चीजों को, बल्ब को, टीवी को, पंखे को, तो क्या होगा, एक बार वो चेक कर लेते हैं। बल्ब लगा दिया, टीवी लगा दिया, लेकिन सर कुछ दिख नहीं रहा है। क्या आपकी आवाज एकदम टप वैसे आ रही जैसे आप कुछ टप 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 कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। सर वो दिख नहीं रहा सर, आप जो लिखे हैं सर। अच्छा, यहाँ जो लिखा वो नहीं दिख रहा अब? ठीक है सर। हाँ? वो दिख नहीं रहा सर जो उधर है। हाँ सर अब ठीक है? नहीं सर। हाँ सर अब ठीक है। अच्छा ओके। Yes, sir. देखो फिर, ये बल्ब है, ये टीवी है, ठीक है, इसके आगे हमने फैन लगा दिया। तीनों कैसे लग गए, सीरीज में लग गए कि नहीं लग गए, एक चेन की तरह? हाँ सर। अब अगर मैं इसको एक एसी सोर्स से जोड़ दूं, अच्छा एसी सोर्स ऐसे नहीं बनाते, एसी सोर्स कैसे बनाते, इसको अगर मैं एक सोर्स से जोड़ दूं, मान लेते हैं ये पावर सोर्स से जोड़ दिया, एसी भी हो सकता है डीसी भी हो सकता है, मैंने यहाँ एसी से जोड़ के दिखाया आपको। एसी का मतलब आपका एयर कंडीशनर नहीं है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है। अगर मैंने इसे जोड़ दिया तो मैं बल्ब को ऑफ करूंगा कैसे, उसके लिए मुझे यहाँ स्विच लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, स्विच ऑफ कर दिया तो टीवी बंद हो गया, पंखा ही बंद हो गया, है ना? अगर मैं स्विच ऑफ करता हूँ एक चीज को तो बाकी दोनों भी ऑफ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं बचा। दूसरी बात, अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो अब करंट यहाँ से फ्लो कर ही नहीं सकता, टीवी बंद हो गया, पंखा ही बंद हो गया, ठीक है, तो मतलब एक अप्लायंस खराब हो गया तो सब काम करना बंद कर देंगे, ऐसा सिस्टम चाहिए क्या आपको? और सर अगर हमको टीवी देखना होगा तो सर लाइट और फैन ऑन रखना होगा सर, इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा उठेगा। अगर टीवी, अगर आपको टीवी देखना है तो पंखा और बल्ब दोनों ऑन रखना जरूरी है। ठंड का मौसम है, लाइट चाहिए तो पंखा भी चलाओ, ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसी चीजें हम, ऐसा सिस्टम हमें चाहिए नहीं, इसलिए हम लोगों ने घर में कभी सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओके। एक और चीज होती है पर वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, एक और पॉइंट होता है, उसको थोड़ी देर में लेता हूँ। उससे पहले हमें पढ़ना है अगला टॉपिक, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन या रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, देखिए पहले मुझे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? सर द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सर द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू, सर वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट एनी चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सही बोले, सही बोले हो।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 point to another work done per unit sir, charge. हाँ बेटा सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? अब मैंने नहीं, आप लोगों ने वीडियो में नहीं देखा क्या? मैंने उसको रिवीजन में दिया, लिया नहीं, वापस बता दूंगा, ठीक है? थोड़ी देर में बता दूंगा, इसको खत्म कर लेते फिर बताता हूँ, ठीक है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर. मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से पॉइंट ए और पॉइंट बी. तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ए से बी लेके जाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या इसको हम लोग डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है? अब देखो, मान लेते हैं मेरे पास ये एक सर्किट है जहां पे रेजिस्टेंस आर है, इधर एक बैटरी लगी है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ठीक है? ये पॉइंट है ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं, ठीक है? तो इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा आई. सर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? सर डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है या चेंज होता है, ठीक है? डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, ठीक है? ओके, तो ए और बी मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, जिस इन ए और बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा? वी के बराबर होगा ना, बैटरी लगी है तो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. अब देखो, चार्ज ए से बी जा रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस के थ्रू वापस बी से ए आ जा रहा है ना. अब मुझे बताओ, मैंने वीडियोस में बताया था इसलिए पूछ रहा हूँ, चार्ज ज्यादा पोटेंशियल पे रहना चाहता है कि कम पोटेंशियल पे? सर ज्यादा. चार्ज ज्यादा पोटेंशियल पे रहना चाहता है बेटा? बिल्कुल नहीं, कम पोटेंशियल पे. सर लोअर पोटेंशियल. कम पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है. चार्ज हमेशा कम पोटेंशियल पे रहना चाहता है. चार्ज को अगर ज्यादा पोटेंशियल पे छोड़ दोगे तो वो अपने आप कम पोटेंशियल पे आ जाएगा. क्यों क्यों तो मैंने नहीं बताया था, बट मैंने इसको याद रखने के लिए बताया था कि पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ कि वो जो लोकेशन है वो कितनी दुखदाई लोकेशन है. पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर ऑफ कि कितना दुख है हमारे सिस्टम को, कितना दुखी हमारा चार्ज या मास है, जो भी जिस भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो वो कितना दुखी है, इस चीज का मेजर होता है पोटेंशियल एनर्जी. और किसी कोई लोकेशन कितनी दुखदाई है इसका मेजर होता है पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आना चाहता है, और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाना चाहता है. समझ में आई बात? पॉजिटिव चार्ज चाहता है हमेशा कम पोटेंशियल की तरफ जाना, और नेगेटिव चार्ज चाहता है हमेशा ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जाना, ठीक? अब B का पोटेंशियल ज्यादा है, A का पोटेंशियल कम है, तो क्या हुआ? चार्ज अपने आप B से A की तरफ चला जाता है. चार्ज जो है Q अपने आप B से A की तरफ चला जाता है, क्योंकि B का पोटेंशियल ज्यादा है, A का पोटेंशियल कम है. पर अगर चार्ज इधर गया तो क्योंकि ये क्लोज लूप है, चार्ज को वापस A से B जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हाँ सर जाना पड़ेगा ना. हाँ. तो चार्ज चाहता क्या है आखिर? क्या वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है, या लॉकडाउन में त्रस्त हो गया सिर्फ बाहर घूमना चाहता है? क्या चाहता है चार्ज? सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो लोअर से हायर क्यों आया यहाँ पे? अगर हायर से लोअर जाना चाहता है तो यहाँ लोअर से हायर क्यों आया? सर क्योंकि अब ए पे जो है वो हायर हो गया और बी पे लोअर हो गया. बिल्कुल नहीं, ए पे हायर और बी पे लोअर बिल्कुल नहीं हुआ है.
क्या हुआ है सर? बिकॉज सर इलेक्ट्रॉन्स जो है सर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना चाहता है। बेटा इलेक्ट्रॉन तो बी से ए जा रहा है, ठीक है, चार्ज अगर ए से बी जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बी से ए जा रहे हैं अपने आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाते हैं लोअर से हायर जाना, तो वो भी दुखी है। जब चार्ज ए से बी गया तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बी से ए गए, तो इलेक्ट्रॉन दुखी है, इलेक्ट्रॉन ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको डंडा मार के ये काम उनसे करवाया जा रहा है, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, उनको धक्का लगाया जा रहा है। कौन धक्का लगा रहा है? बैटरी। समझ में आई बात? बैटरी वर्क कर रही है चार्ज को कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल तक लेकर जाने के लिए, ठीक है। बैटरी चार्ज को कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल तक लेकर जा रही है, धक्का लगा के भेज रही है, चार्ज अपनी इच्छा से नहीं जा रहा। समझ में आई बात? बैटरी पहुंचा रही है, इसलिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, है ना। जो भी चार्ज को कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल तक लेके जाता है उसको वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है, ये तो डेफिनेशन है ना पोटेंशियल डिफरेंस की। तो क्योंकि बैटरी चार्ज को कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ लेके जा रही है, इसलिए बैटरी वर्क कर रही है। कितना वर्क कर रही है? तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वी है, तो क्यू इनटू वी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं सर, इसमें होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? Q इंटू वी, ये बैटरी का वर्क है, बैटरी ने इतना वर्क किया है, Q इंटू वी, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी इज क्यू वी। अब Q कितना होता है सर? अच्छा चलो ठीक है, Q कितना होता है? Q होता है करंट इंटू टाइम, है ना। कितना चार्ज फ्लो करेगा? करंट इनटू टाइम। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू आई इनटू वी इनटू टी, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय बैटरी इज इक्वल टू करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज बेसिकली योर पावर, ठीक है। सो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी is equal to I into V. Power का formula क्या हो गया? Power P is equal to I into V. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। इस तरीके से हम power निकाल सकते हैं, power delivered by a battery. ठीक? Work done per unit charge in, ठीक है? Work done by battery निकाल सकते हैं, IVT, power delivered by battery निकाल सकते हैं, I into V. तो मतलब बैटरी ने खूब सारा वर्क किया। वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी खर्च करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? हाँ सर। वर्क करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, काम करते हो तो एनर्जी खर्च होती है ना आपकी कि नहीं होती? हाँ सर होती है। ओके, तो बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने एनर्जी खर्च करी, तो एनर्जी गई कहाँ? खर्च हो गई, ऐसे नहीं चलता ना। क्यों? बिकॉज एनर्जी कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को नहीं तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहाँ गई एनर्जी? ट्रांसफॉर्म हो गई एनर्जी, इस रेजिस्टेंस में खर्च हो गई। कैसे खर्च हो गई डिपेंड करता है कैसे खर्च हो गई, ये रेजिस्टेंस कैसा है। ये रेजिस्टेंस हो सकता है सिर्फ हीट होके कहानी खत्म कर दे, है ना, सिर्फ इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट। हीट एनर्जी हो सकता है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया आपने तो एनर्जी हीट और लाइट दोनों में कन्वर्ट हो गई, है ना। हो सकता है आपने ना ही बल्ब लगाया है ना ही हीटर लगाया है, आपने लगा दिया है यहाँ पर लेट्स से CFL। तो CFL में क्या होगा, थोड़ी एनर्जी हीट में चली जाएगी, थोड़ी एनर्जी लाइट में चली जाएगी, है ना।
हो सकता है आपने यहाँ लगा दिया पंखा, फैन में रेजिस्टेंस डायरेक्टली नहीं लगा होता, उसमें दूसरा फंडा होता है, बट आप अभी के लिए फैन का भी रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है, मान लो आपने लगा दिया यहाँ पे फैन, तो क्या हो जाएगा आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, पंखा घूमा ना तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई ना, तो बेसिकली जो पावर बैटरी सप्लाई करेगा, जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगा वही ना आपका रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा, आया ना समझ में आई बात, तो हम क्या क्या बोल रहा हूँ देखिए, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बेसिकली वर्क डन बाय बैटरी, जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी सप्लाई करोगे, इज इक्वल टू करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम, इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी हो जाएगा आई इंटू वी इंटू टी, है ना, इसका मतलब पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू, सॉरी हाँ आई बस आई इंटू वी, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा, राइट, पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस है ये, है ना, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या बना, पावर का बेसिक फॉर्मूला बना कि पावर, अच्छा यहां लिख रहा हूं मैं, पावर पी इज इक्वल टू आई इंटू वी, ये बना आपके पावर का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी की जगह अगर मैं आई आर डाल दूं तो क्या हो जाएगा ये आई स्क्वायर आर, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर, पावर पी इज इक्वल टू आई वी विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मैं चाहूं तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर भी डाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, तो ये अलग अलग फॉर्मूले आपके पावर के लिए बन सकते हैं, और इन फॉर्मूलों में के बारे में मैंने अच्छे से एनालिसिस करवाई होगी आपकी वीडियोस में, कि यार पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पे अच्छे से चर्चा की होगी, इसके लिए प्लीज वीडियो देखिएगा, उसमें काफी डिटेल में चर्चा हुई है और टाइम भी दिया गया है, ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया, हां सर, यस सर, सर v स्क्वायर बाय r कहां से आया सर, देखो ये जो फॉर्मूला है ना आई वी, उसमें आई की जगह वी बाय आर डाल दो, आई कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होगा, आई की जगह वी बाय आर डाल के देखो क्या होगा, आई है ना, आई की जगह वी बाय आर डालो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी बाय आर इनटू वी क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर हुआ ना, ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, तो अब यहां पर मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूं, ठीक है, ये पावर से ही नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इस पावर की यूनिट नहीं देखी है, ठीक है, पावर की यूनिट नहीं देखी है, तो यहीं से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, अभी के लिए गुड नाइट, और थोड़ा सा क्लास, यार क्लास ना जूम पे थोड़ी स्लो चल रही है मेरी, पता नहीं क्यों, लेकिन समझ में आया ना आप लोगों को सारा, हां सर, यस सर, ठीक है बेटा, तो मेरे को लग रहा है एक क्लास और लग जाएगी रिवीजन खत्म करते करते, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू कर देंगे, रेगुलर क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कितना हो गया, खत्म हो गया कि अभी चल रहा है, सर अभी चल रहा है सर, अभी तो फ्लेमिंग राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल चल रहा है, ठीक है, ठीक है चलो, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर.